देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज ऑनलाइन हिंदी न्यूज। खबर चानन से है। लोक आस्था का महापर्व छठ में सभी लोग, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, दिव्यांग, सभी लोग हर्षोल्लास के साथ चढ़ बढ़कर भाग लेते हैं, इसलिए इस पर्व को महा छठ पर्व कहा जाता है। इसमें सभी लोग श्रद्धा सुमन के साथ अपना अपना योगदान देते हैं। वहीं उचित यादव मुखिया प्रतिनिधि ने बताया कि बतसपुर गांव में छठ घाट का निर्माण तो होगा, इस पर्व में माता की कृपा होती है जिसकी वजह से 36 घंटे का निर्जला उपवास संभव हो पाता है। वहीं अगर माता की कृपा हुई तो छठ घाट का निर्माण भी हो जाएगा। माता की कृपा से छठ व्रतियों या व्रता को कभी भी कष्ट नहीं होता है। इस दौरान उचित यादव मुखिया प्रतिनिधि बतसपुर, जानकीडी पंचायत, राम प्रकाश यादव पूर्व सरपंच बतसपुर जानकीडी पंचायत और मनोज कुमार बतसपुर जानकीडी पंचायत संघ समिति के सभी लोग उपस्थित हुए। लखीसराय के चानन से सुजीत संघ, सरवन कुमार की रिपोर्ट। आस्था का छठ महापर्व के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? लोक आस्था का ये महापर्व है, पूरे शुद्धता के साथ बिहार में, पूरे हिंदुस्तान और दुनिया के लगभग सभी भागों में यह पर्व मनाया जाता है। एक तरह का यह ग्लोबल पर्व हो गया, वैश्विक स्तर पर यह मनाया जाता है, पूरे शुद्धता के साथ यह मनाया जाता है। इसमें पूरे समाज, पूरे जाति, किसी से भेदभाव नहीं होता है। जहाँ तक कि ग्वाला जाति से इसमें दूध लिया जाता है, डोम जाति से सूप लिया जाता है और माली जाति जो है फूल देने का काम करता है। पूरे शुद्धता के साथ घर में यह पर्व मनाया जाता है। यह पर्व में कोई बाहरी आर्टिफिशियल चीज़ का प्रयोग नहीं होता। पूरी ठकुआ, केतारी, सेब, केला आदि इस तरह का पूरे शुद्धता के साथ इसको मनाया जाता है। और यह पर्व में सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोगों को बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि इसमें जो 36 घंटा का निर्जला उपवास किया जाता है, उसमें शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत थकावट तो नहीं होता। छठ माँ की कृपा से बहुत आसानी से लोग इस पर्व को मनाते हैं। सर, एक बात आपसे एक क्वेश्चन है, प्रश्न पूछता है कि जानकीडी पंचायत के बतसपुर गांव में, जहां बतसपुर गांव का जो मध्य विद्यालय है, हनुमान मंदिर है, वहां पे छठ घाट या हमारे गांव में भी तालाब है, उस पर क्या छठ घाट नहीं बनाया जा सकता है जो हम लोग इतना दूर आते हैं? जहां तक कि छठ घाट के बात है, तो इस प्रस्ताव को मैं अगले साल कंप्यूटर पर लोड करवा दिया नेट पर जी, और राशि के अभाव में यह कार्य नहीं हो पा रहा। अगले वित्तीय वर्ष में जो राशि आया था उसमें 2-4 को पीसीसी ढलैया नाली का निर्माण हुआ था, लेकिन इस बार हम लोग उम्मीद जता रहे थे जैसा ही राशि आएगा तो पुल पर जो है स्कूल के बगल में छठ घाट का निर्माण कराया जाएगा। सरकार की ओर से अभी तक राशि नहीं उपलब्ध हुआ। जैसे ही सरकार की ओर से राशि उपलब्ध कराया जाएगा, हम लोग अतिशीघ्र इसमें कार्य करने का काम। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मुकित कुमार यादव, मुखिया प्रतिनिधि। धन्यवाद। आस्था का छठ महापर्व के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? यह एक पवित्र पर्व है, आस्था का पर्व है, विश्वास का पर्व है। 36 घंटा लगातार निर्जला का पर्व है। अगर छठ माँ का महिमा नहीं होगा तो किसी का औकात नहीं है जो 36 घंटा का निर्जला पर्व कर सकता है। हमें तो बहुत विश्वास है, मैं खुद पर्व करता हूँ। यहाँ बिहार, भारत नहीं, यह पर्व पूरे दुनिया में मनाया जाता है और बहुत पवित्र के साथ मनाया जाता है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राम प्रकाश यादव, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि जानकी। और कुछ बोलना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि हमारे गाँव में अगर छठ घाट बन गया तो इतना दूर नहीं आना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे नवयुवक को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कि 15 वर्षों से लगातार मेहनत करके इतना दूर, लगभग 1.5 किलोमीटर पड़ता है, चंदा चिट्ठा से 5 फल, लगभग 300 डाली है जिसमें ये लोग वितरण करने का काम करता है, निःशुल्क वितरण करता है। शाम में सुबह बद्दी, दूध, अगरबत्ती का वितरण किया जाता है। मैं आपके माध्यम से बतसपुर के नवयुवक को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद आपको। सर, आप यहाँ पे जो छठ पूजा हो रहा है, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? इसके बारे में मैं यही बोलना चाहूँगा कि छठ पूजा एक आस्था का महान पर्व है और इस पर्व में हमारी माँ बहनें जो इच्छा लेके पूजा करती है वो सफल होता है, वो मिलता है माँ छठ के द्वारा। और इसमें मुख्य रूप से सूर्य की आराधना की जाती है और युवा समिति के द्वारा पिताई चक्के इस
छठ पूजा घाट पर सूर्य देव का ये मूर्ति का स्थापना किए हैं। कितने वर्षों से चल रहा है ये मूर्ति का स्थापना? ये 2 साल से चल रहा है, पिछले 2 साल से, और आगे भी युवा इतना उत्साहित है यहाँ का कि ये अनवरत रूप से चलता रहेगा। और माँ छठ की उन युवाओं पर खासकर आशीर्वाद रहेगा, बस यही कामना करता हूँ मैं। और इसमें ग्रामीण का भी भरपूर सहयोग मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। आपका शुभ नाम सर? मेरा शुभ नाम त्रिलोकी यादव। कहाँ से? पिताई चक से। पंचायत? पंचायत मलिया। धन्यवाद आपका। पहला अर्ग है, इस विषय पर आप क्या बोले हैं? ये जो महा छठ पर्व जो है, इसके बारे में। यह बहुत धार्मिक पर्व है, इससे बढ़ के इंडिया में कोई पर्व नहीं है जितना इसमें परहेज किया जाता है। शायद होली हो, दुर्गा पूजा हो, कोई पर्व में इतना परहेज नहीं किया जाता है, इतना डर किसी भी लोगों में रहता है। यह महापर्व है, इसमें आज कोई पूजा पद्धति की जरूरत नहीं, कोई पंडित की जरूरत इसमें नहीं है। स्वयं छठ माँ का मूर्ति विसर्जन स्थापित कीजिए और जो है वहाँ सारा प्रसाद रख लीजिए, नहीं कि यहाँ फल चढ़ाइए, नोवे चढ़ाइए वगैरह वगैरह। जो है यह स्वयं जो ऐसे जितना कहा जाए कि जो छठ पूजा जो उनमें हुआ था, उसमें मर जाने के बाद भी छठ माँ के आशीर्वाद से अपने पति को उन्होंने जीवित कर दिया था। या इतने इसमें दम है, जमराज को भी इसमें हिलना पड़ा। मैं इसमें विशेष यही कहता हूँ कि अभी जितने भी नवयुवक कमेटी है, सब उन्हें बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, सब बहुत अच्छा घाट का सफाई साफ सुथरा किया है। इसी तरह का ये सभी युवक से अनुरोध है कि इसी तरह का सब दिन बरकरार रखें और आपस में भाईचारा बनाते हुए यह कार्य आगे बढ़ाते रहें। आपका शुभ नाम? मेरा नाम केदार प्रसाद यादव, मलिया पंचायत के वर्तमान सरपंच हूँ। धन्यवाद। जो छठ पूजा हो रहा है, जो युवा कमेटी के द्वारा करवाया गया है, जो युवा लोग हैं, इसको उसका उत्साह बढ़ाने के लिए आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ ग्रामीण त्रिलोक संघ को कि हमारे चालक के मलिया पंचायत के मैं पैक सदस्य अमित कुमार पासवान पिताई चक के रहने वाला हूँ। मैं त्रिलोक संघ को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि जो कि 2 साल से इन लोगों ने बहुत मेहनत करके ग्रामीण के सहयोग से ये छठ मूर्ति का आयोजन किया है। मैं इन सबों के साथ धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय छठ। छठ पर्व के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? लोक आस्था का महापर्व जो कि बिहार में पूरे देश में हम तथा हमारे हिंदुओं भाई जहाँ भी है बहुत धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं एवं साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान देते हैं। और हमारे कमेटी पतसपुर की ओर से ये जो सेवा यहाँ छठ घाट पोखर किता चक में हम लोग 15 साल से 5 फल वितरण कर रहे हैं, और मैं तमाम नौजवान से गुजारिश करूँगा इसी तरह हमारे जो भी पूर्वज इस फल को वितरण कर रहे हैं इसी तरह बरकरार कायम रखे। यही बात है। मैं आपका शुभ नाम? मनोज कुमार। कहाँ से? बतसपुर। पंचायत? जानकी।